नमस्ते आप सभी को। आशा करती हूँ कि आप अपनी गर्मी की छुट्टियों का बड़ा आनंद ले रहे होंगे। मैं अध्यापिका साक्षी नाइक आपके सामने आज की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज की हमारी इस कहानी का नाम है ब्राह्मण और तीन ठग। शुरू करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार किसी परिवार ने उन्हें ब्राह्मण भोजन के लिए अपने घर बुला लिया और दान में एक बकरा दे दिया। बकरे को पाकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और उसे लेकर वो अपने घर चल पड़ा। घर जाने के लिए उन्हें एक जंगल से गुजरना था। रास्ता बड़ा लंबा और सुनसान था। उसी जंगल में तीन ठग रहते थे और उन तीनों ठग ने ब्राह्मण को देख लिया और ब्राह्मण के कंधों पर उस बकरे को देखकर उस बकरे को चुराने का विचार उन तीनों के मन में आ गया। तीनों ने बकरे को हत्याने की योजना बना ली और तीनों अलग अलग हो गए। पंडित जी के पास से गुजरते ही पहले ठग ने कहा, क्या पंडित जी एक ब्राह्मण होकर अपने कंधों पर कुत्ता लेके घूम रहे हो? इस पर ब्राह्मण ने कहा, अंधे हो क्या, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो, ये कुत्ता नहीं है, ये बकरा है। इस पर ठग ने कहा, मेरा काम तो आपको बताना, आगे आपके मर्जी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें दूसरा ठग मिला। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी आप नहीं जानते, उच्च कुल के लोग अपनी पीठ पर कुत्ता लेके नहीं घूमते। ब्राह्मण ने उसे भी झिटका दिया और आगे बढ़ गया। और थोड़ी देर आगे चलने के बाद उन्हें तीसरा ठग मिला। उस तीसरे ठग ने कहा, क्या पंडित जी आप एक कुत्ते को लेके घूम रहे हो, इसका क्या कारण है? अभी इस बार ब्राह्मण के मन में शक हो गया कि कहीं मेरी ही आके धोखा तो नहीं खा रही, इतने लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने अपने कंधों के ऊपर से बकरे को उतार दिया और उसे वहां पे ही छोड़ के वो अपने घर चल पड़े। पंडित जी को जाते हुए देखते ही उन तीनों ठग ने उस बकरे को ले लिया और उसे मारकर उसकी दावत खा ली और इस तरह ब्राह्मण के आंखों को धोखा हो गया। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी आंखों पे विश्वास रखना चाहिए और दूसरों की बातों पर बहकना नहीं चाहिए। धन्यवाद।